दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल के सातवें मुकाबले में 44 रनों से रौंद दिया। इस सीजन में चेन्नई की ये दूसरी हार है। पिछले मैच में उसे राजस्थान रॉयल्स ने भी हराया था। चेन्नई की टीम पहली हार के बाद से ही क्रिकेट विशेषज्ञों और पूर्व क्रिकेटर्स के निशाने पर है। सहवाग ने शनिवार को ट्वीट कर चेन्नई पर तंज कसते हुए कहा कि टीम धोनी को ग्लूकोज चढ़वा के आना पड़ेगा। सहवाग ने ट्वीट कर कहा कि चेन्नई के बल्लेबाज आराम से नहीं खेल पा रहे, अगले मैच से बल्लेबाजी करने के लिए ग्लूकोज चढ़वा के आना पड़ेगा। सहवाग ने इसके अलावा इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। उन्होंने वीरू की बैठक में कहा कि दिल्ली मेट्रो ने चेन्नई एक्सप्रेस का धुआं निकाल दिया। दिल्ली ने डैड सामी यानी थाला की चेन्नई की सीटी बजा दी। अगर आप T20 मैच को पर्थ की पिच पर टेस्ट मैच की तरह खेलोगे तो इससे अच्छा ये है कि मैं सूरज बड़जात्या की मूवी ना देख। सहवाग ने आगे भी कहा कि चेन्नई की शुरुआत बुरी नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि गाड़ी सेकंड गियर में ही है। मुरली विजय भारत के लिए टेस्ट मैच खेलते हैं, उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये T20 मैच है। शेन वॉटसन जो कि पुराना डीजल इंजन है झटके खाकर वहीं फेल हो गया। सांबा यानी फाफ डुप्लेसी बल्लेबाजी करने आए, उन्होंने दूसरे लोगों को बहुत समझाया कि ये T20 मैच है, टेस्ट मैच नहीं है, फिर भी थाला बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि बुलेट ट्रेन आ जाएगी लेकिन धोनी चौथे नंबर पर खेलने के लिए नहीं आएंगे। मोदी जी आप ही कुछ समझाओ। सहवाग ने भी कहा कि इसमें क्रेडिट दिल्ली के गेंदबाजों को जाता है। रबाडा नौटिये अक्षर पटेल और अमित मिश्रा ने चेन्नई को कोई डिस्काउंट नहीं दिया। ऐसा लगता है कि थाला को ये बोला गया है कि 14 ओवर तक उन्हें क्वारंटीन ही रहना होगा। जब तक वो बल्लेबाजी के लिए आए थे तब तक मैच उनके हाथ से निकल चुका था। चेन्नई का अगला मैच 2 अक्टूबर को सनराइज हैदराबाद से होगा। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।